हेलो बच्चों, हायर मैथमेटिक्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ग्रुप थ्योरी इन द प्रीवियस वीडियो। आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज ग्रुप, सम थ्योरम्स वेयर देयर, आई हैव एक्सप्लेन दोस थ्योरम्स आल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सी दोस वीडियोस, इफ यू हैव सीन देन वेरी गुड, देन कम टू दिस थ्योरम, बिकॉज विदाउट नोइंग द कंसेप्ट ऑफ दोस थ्योरम यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। ठीक है, नहीं मैं दोनों इंग्लिश थोड़ी बोल लेता हूँ, तो मैं एक आध सेंटेंस बोल देता हूँ कि इंग्लिश बोल लेता हूँ, लेकिन हिंदी भी बोल लेता हूँ तो हिंदी भी बोल देता हूँ। कम टू द पॉइंट, थ्योरम कहती है कि इफ जी बाइंडिंग इज ए ग्रुप देन द लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो द राइट आइडेंटिटी। पहले मतलब समझिएगा, लेफ्ट आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ लेफ्ट साइड से ऑपरेट करता है तो वो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता। अब याद करिए आइडेंटिटी एलिमेंट, जब मैं एडिशन की बात करता था तो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो था, तो जीरो किसी भी नंबर के साथ अगर ऑपरेट करता है तो नंबर को चेंज नहीं करता, लेफ्ट के साथ ऑपरेट कर रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर राइट के साथ ऑपरेट करे, मतलब ए बाइंडिंग ई करे, तब भी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो टू के बाद में भी अगर जीरो प्लस करोगे तब भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही होगा। मतलब जो आइडेंटिटी का उसका करेक्टर लेफ्ट के साथ है और राइट के साथ जाने के बाद तो ये नहीं कहेगा मैं तो राइट में आया हूं, मैं कहे को आइडेंटिटी की तरह बिहेव करूंगा, वो आइडेंटिटी की तरह ही बिहेव करेगा, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट हो चाहे राइट से ऑपरेट हो। तो हम सबसे पहले मान के चलेंगे कि भैया जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना वो लेफ्ट आइडेंटिटी है, मतलब लेफ्ट से वो नंबर के साथ ऑपरेट होने पर, ऑपरेट मतलब बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर वो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता, और बाद में हम प्रूफ कर देंगे कि राइट के साथ भी वैसा नहीं करता। ठीक है, तो देखिए प्रूफ में कैसे करेंगे हम, जरा समझने की कोशिश करिए। हम बार बार वीडियो में कहते हैं कि मेरी राइटिंग गंदी है तो है, और उसे इस उम्र में सही नहीं कहता, उम्र तो है ही, है तो है, दाढ़ी सफेद है, बाल तो खैर है नहीं, लेकिन जो है वो सफेद नहीं है। ठीक, अब देखो कब सफेद होते हैं। हमने पहले मान लिया कि लेट ई बी द लेफ्ट आइडेंटिटी, ये हमने मान लिया, ई जो है ना लेफ्ट आइडेंटिटी, सर्वसम्मिका नहीं कहते, तत्समक कहते हैं। सर्वसम्मिका तो फॉर्मूला होता है, वो तो आइडेंटिटी वो भी होती है लेकिन वो दूसरा होता है। ये तत्समक, योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक, ये पढ़े आपको। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट ई बी द लेफ्ट आइडेंटिटी, अगर ई बी द लेफ्ट आइडेंटिटी है और मान लें कि लेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट, जी का कोई एलिमेंट ए है, कोई भी हो सकता है, तो अगर ई जो है लेफ्ट के साथ ऑपरेट करेगा तो वैल्यू विल नॉट चेंज। ये हम मान लेते हैं केवल, हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ये करना है कि ई इज अ राइट आइडेंटिटी, ये जो ई है ना वो राइट आइडेंटिटी है, ये प्रूफ करना है। मतलब दैट इज, आपको क्या प्रूफ करके लाना है कि अगर ए के साथ ये भाई साहब बाद में ऑपरेट हों तब भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये प्रूफ करके लाना है। जरा समझने की कोशिश करिए, हम जानबूझ के इनके साथ ए इनवर्स का ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है, प्रूफ प्रूफ करने का अंदाज है, यानी मैंने क्या किया, ए इनवर्स बाइंडी ए बाइंडी ई किया। मैं यहां पर इधर उधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं ए इनवर्स बाइंडी इसके साथ अपने आप ए इनवर्स का बाइंडी ऑपरेट कर रहा हूं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखो ध्यान से, ये पूरा रिजल्ट चल रहा साथ में। तो आप ए इनवर्स को ए के साथ ले जा सकते हैं, ले जाइए, यानी इसको ए इनवर्स बाइनरी ए बाइनरी ई ले सकते हैं। और ये रूल भी आप जानते हैं किस रूल से हुआ है, ये रूल हुआ है आपका एसोसिएटिव लॉ। ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ होता है, सहचर नियम हिंदी में कहा जाता है। ये क्या है, ई, यानी इसको कह सकते हैं ई बाइनरी ई, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी इनवर्स है ना वो अगर अपने ए एलिमेंट के साथ ऑपरेट करता है तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, ये भी आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ई बाइंडिंग ई तो ई होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स बाइंडिंग ए बाइंडिंग ई को ई लिखा जा सकता है। आप थोड़ा सा दिमाग समझिएगा, देखिए हमको थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कभी कभी कुछ करना ही पड़ता है, लव के लिए कुछ करेगा तो थ्योरम के लिए कुछ करेगा, वही मैं कुछ करने जा रहा हूं।
देखिए हमको ए बाइनरी ई बराबर ई प्रूफ करना है, ए बाइनरी ई बराबर ए प्रूफ करना, सॉरी ए प्रूफ करना है, तो यहां पर ए आना चाहिए, तो ए तो है नहीं इधर। अच्छा अगर मैं इसको ए इनवर्स बाइनरी ए कर सकता हूं, कर सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि एस ए इनवर्स बाइनरी ए ई होता है, इसको किया जा सकता है। और इधर क्या है, इधर है आपका ए इनवर्स बाइनरी ए बाइनरी, यानी इसकी जगह हमने ए इनवर्स बाइनरी ए लिख दिया है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं ऊपर की लाइन ड्रॉप करूंगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको मैं एडिंग कर देता हूं, यहां से एडिंग कर देता हूं। अब आप देखिए ए इनवर्स को आप काट सकते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन का, तो यानी कि इसको लिखा जा सकता है ए बाइनरी इज इक्वल टू ए, प्रूफ हो गया। यहां हमने क्या लगा दिया है, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, कोई दिक्कत, ये मॉडल चल रहा है। इसमें कभी कभी कुछ थ्योरम को करने के लिए थोड़ा टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, थ्योरम ठीक। अगर उल्टा आपके प्रूफ करने को कह दिया जाए कि राइट आइडेंटिटी इज आल्सो द लेफ्ट आइडेंटिटी, तो ये चीज गिवन में हो जाएगी और जो गिवन में थी वो प्रूफ हो जाएगा। तो यहां पर जो ए इनवर्स इधर था वो दूसरे में ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो उसको अपने आप कर लेंगे। तो दिस इज द थ्योरम। इसके बाद एक और थ्योरम है, इसके बाद ग्रुप की थ्योरम्स खत्म हो जाएंगी, इसके बाद सब ग्रुप स्टार्ट होगा, ठीक है। एक और थ्योरम है, दिस इज द थ्योरम। राइटिंग थोड़ा गंदी है लेकिन फिर भी मैं स्मार्ट सा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि आर्टिस्ट हूं नहीं, बोर्ड में थोड़ा टेढ़ा लिखते वक्त यहां सीधा नजर आता है, और जब कैमरे पे देखो तो लगता है क्या बताया जाए, है तो है। अब करना यह है कि इफ जी बाइंडिंग इज अ ग्रुप देन लेफ्ट इनवर्स इज आल्सो राइट इनवर्स, प्रूफ करना है कि लेफ्ट इनवर्स इज आल्सो राइट इनवर्स, ये प्रूफ करना है। तो पहले तो देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करते हैं जरा समझिए। हम पहले मानेंगे कि भाई ए एक लेटर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी, ग्रुप थ्योरी। अगर कोई एलिमेंट जी को बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा, जो कि कर रहा है। अब देखो अगर ये इसके साथ ऑपरेट होगा तो ऑपरेट होने के बाद क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो पहले मैं मान लेता हूं कि लेट ए इनवर्स इज द लेफ्ट इनवर्स, लेट ए इनवर्स इज द लेफ्ट इनवर्स, ये हम मान लेते हैं। इसका मतलब ए इनवर्स जो है लेफ्ट से अपने एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट हो तो हमको ये आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, ये गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है कि ए इनवर्स इज आल्सो राइट इनवर्स, ये राइट इनवर्स भी है, मतलब राइट के साथ भी अगर ये इस प्रकार से ऑपरेट हो तब भी ये देगा, ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। इसके लिए भी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, तो मैं इसको लूंगा और इसके साथ ए इनवर्स को ऑपरेट कर देता हूं। देखिए ए इनवर्स बाइनरी ए बाइनरी ए इनवर्स, मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स नहीं किया है, हमने केवल ये इसके साथ ए इनवर्स कर दिया है। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, इसको छोड़ेंगे, इसको छुएंगे नहीं, ये ऐसे लिखा रहे। अब इसको इसके अंदर ले जाओ, ए इनवर्स बाइनरी ए बाइनरी ए इनवर्स, नियम कौन सा लगा है, मन में आ रहा होगा, ग्रुप बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं, क्लोजर बोल देते हैं, एसोसिएटेड डाल रहा होता है, एसोसिएटिव डॉल होता है, ठीक। और ए इनवर्स बाइनरी ए की वैल्यू क्या होती है, जानते हैं ई होती है, ये हो जाएगा ई बाइनरी ए इनवर्स, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ए इनवर्स बाइनरी ए ई होता है, ये हम जानते हैं और वैसे भी जानते हैं बाय इक्वेशन वन, या आप ऐसे ना लिखो, लिखो यूजिंग इक्वेशन वन, थोड़ा इक्वेशन वन भी खुश हो जाएगा, कम से कम हमारा इस्तेमाल तो किया, यूजिंग इक्वेशन वन, और ई के साथ कोई भी ऑपरेट करे तो ई हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, हमारे पास यहां पर क्या चल रहा था, ए इनवर्स बाइनरी ए बाइनरी ए इनवर्स,
अब जरा देखिए ध्यान से, हमको ये चाहिए और इधर क्या चाहिए, ई चाहिए। अब हम क्या करें इसमें कि ये चीज आ जाए, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ई तो मेरे पास था, ऐसा करते हैं सुनिए ध्यान से, ई मेरे पास इधर है, ए इनवर्स कैंसिल करना चाहते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए, ए इनवर्स बाइंडी ई, कौन सा रूल है ये, ए बी बराबर बी ए, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए लिखा जा सकता है, या ए बाइंडी बी इज इक्वल टू बी बाइंडी ए लिखा जा सकता है। किसका नियम था, कॉम्यूटेटिव लॉ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दिया हमने, कॉम्यूटेटिव लॉ। आप याद करिए जब आपको एविलियन ग्रुप प्रूफ कराया गया था तो वहां कॉम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है, और ये आपने इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ा है, ठीक है। अब ए इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो ए बाइंडिंग ए इनवर्स इज इक्वल टू ई हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। इसमें लगाया हमने क्या है, लेफ्ट साइड का इनवर्स हटा है तो हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लगाया है, लेफ्ट कैंसिलेशन बताइए, देख लेना कैंसिलेशन लिखा होता है, गंदा भी लिखना चाहिए, हमेशा अच्छा लिखोगे ये क्या उसी बात है, अच्छा अच्छा लिखते हैं, गंदा भी होना चाहिए तो गंदा हो गया, ठीक है। तो ये आपकी ग्रुप की सभी थ्योरम्स हो गई, ये पूरे वीडियो आपके पढ़े हुए हैं थ्योरम्स के, ये करीब 8 थ्योरम है, ये शायद नवी थ्योरम है, ठीक है, देख लीजिएगा, इसके बाद सब ग्रुप होगा। नमस्कार।